रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है कि हमारे फ़ाइनल एग्ज़ाम कब हो रहे हैं और हमारी डेट शीट कब ओपन हो रही है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे तो मैंने कहा चले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि एकेडमिक कैलेंडर जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। इसके मुताबिक जितने भी हमारे काम हुए हैं वो इसी के मुताबिक हुए हैं। तो इसमें ज़रा आप गौर करें, यहाँ पर आपके पास ये फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम की डेट लिखी हुई है, ये वाली। आपके एग्ज़ाम 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके चांस हैं कि ये और थोड़े कम होकर 10 अगस्त से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपने रेडी रहना है। और फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो आपका 14 सितंबर को आएगा, लेकिन अगर हमारे 10 अगस्त को स्टार्ट होते हैं तो 10 सितंबर को हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ओके। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमें ये अनाउंसमेंट मिली है कि 25 जुलाई तक अपने जो भी आपके ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करें, अदरवाइज़ आपका जो LMS है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करने की वजह यही है कि बच्चे जो हैं वो अपनी डेट शीट नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 को स्टार्ट होते हैं तो कम से कम 15-20 दिन पहले डेट शीट बन जाती है, तो आपकी डेट शीट जो है उसका लिंक 26 को ओपन हो जाएगा या 27 को फर्स्ट टाइम ओपन हो जाएगा। 26 को सेकंड टाइम हो सकता है और 27 को फर्स्ट टाइम हो सकता है। तो इसके लिए आपने रेडी रहना है। अगर आपके ड्यूज़ हैं उनको क्लियर कर लें ताकि आप अपनी डेट शीट जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकें। अगर आप अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे टाइम पर तो डेट शीट फिर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकेंगे, जहां पर सीट मिलेगी वहीं पे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।